हेलो एंड वेलकम टू होल पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर काशिफ रोज लाइव पर यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज मेरे साथ एक ऐसे कंसल्टेंट डॉक्टर मौजूद है जिस स्पेशलिटी के बारे में कहा जाता है कि ऐसे डॉक्टर थोड़े से खुश्क जहन के होते हैं, थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं या मूडी होते हैं। हम बात कर रहे हैं न्यूरो सर्जन की। जितने भी न्यूरो डॉक्टर्स हैं या साइकेट्रिक डॉक्टर्स होते हैं उनके बारे में कहा जाता है ये थोड़े से मूडी होते हैं। लेकिन आज हम आपसे ऐसे डॉक्टर से मिलवाते हैं जो कि न्यूरो सर्जन है लेकिन वो ज़रा भी मूडी नहीं है, और माशाल्लाह उनके चेहरे पे मुस्कुराहट 24 घंटे रहती है, और अपने पेशेंट से इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं तो जिसके मैं बता नहीं सकता आपको। हम मिलते हैं डॉक्टर असद कामरान साहब से जो कि कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन है और बहावलपुर में होते हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे ठीक ठाक? ठीक ठाक सर। ये एक मिथ बनी हुई है जी जनरली के जितने डॉक्टर्स न्यूरो के हैं या साइकेट्रिक है थोड़े से चिड़चिड़े, थोड़े से मूडी, पेशेंट के साथ थोड़ा सा बिहेवियर अजीब सा होता है। जी सर, ऐसा क्यों है? अच्छा, ये लोगों में है लेकिन मेरे अंदाज़े में तो मैं तो जितने भी न्यूरोसर्जन जो यंग जनरेशन है उनमें तो कोई ऐसी बात नहीं देखी, लेकिन जो हमारे पुराने बाबे हैं, जो कुछ पुराने लोग थे डॉक्टर्स, उनको ज़रूर हमने देखा भी है और सुना भी है। लेकिन आजकल जितनी भी जनरेशन आ रही है उनमें कोई भी ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा कि जो मूडी हो या कोई जिसमें कोई ऐसी बात हो जिसको कह सकते हैं कि वो सड़ियल है। सर तो ऐसी कोई बात नहीं सर। माशाल्लाह आपकी गवाही तो मैं देखता हूँ, 5 साल से आपको देख रहा हूँ, मिल रहा हूँ और हमेशा स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ, सबके साथ, मतलब इवन के नहीं जानने वाले के साथ, जितने पेशेंट आपके पास आते हैं उन सबसे बड़े आप खुश रसोबी से मिल रहे हैं। जी, ये मेरी शुरू से आदत है जी। अच्छी तरीके से बोलेंगे तो आधी जो बीमारी है वो पेशेंट की वैसे खत्म हो जाती है। तो ये अल्लाह का कुछ मेरे पे ज़्यादा एहसान है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से मिलता हूँ और बड़े अच्छे तरीके से बात सुनता हूँ, तो पेशेंट माशाल्लाह ठीक भी होते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह सर। थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा अपनी स्टडी के बारे में कि आपने FSC कहाँ से की, फिर MBBS कहाँ से किया और न्यूरो की डिग्री कहाँ से लिया? जी, मैंने असल में बहावलपुर में ही मेरी पैदाइश है, उसके बाद मैं बहावलपुर से ही पढ़ा हूँ और मैट्रिक मैंने सादिक पब्लिक स्कूल से की है, उसके बाद फिर मैं FSC मैंने SC कॉलेज बहावलपुर से की है और MBBS कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद CPSP कराची से मैंने FCPS नीरो एंड स्पाइन सर्जरी में किया। सही जी। सर, आफ्टर MBBS ये थॉट कैसे आया कि मैंने नीरो में जाना है या सर्जरी में जाना है? नहीं, पहले तो मैं जनरल सर्जरी में बड़ा मकसद जाने के लिए बेचैन था, तो मैंने ज्वाइन भी एज अ जनरल सर्जन FCPS जनरल सर्जरी किया। फिर उसके बाद फिर मैं कुछ करना चाहता था कि कार्डिक सर्जरी करूं या कोई और कोई ऐसी फील्ड करूं, तो फिर मैं कार्डिक सर्जरी के लिए गया तो मुझे वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुए तो मैं कराची से वापस आ गया। फिर मैंने यही सोचा कि कोई स्पेशलिटी में जाऊँ, तो मैं फिर नीरो में चला गया और आजकल बहावलपुर न्यूरो सर्जरी वार्ड में एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। तो सर ये भी है थोड़ा सा कि ना न्यूरो वाले या साइकेट्री वाले थोड़े से वो भी होते हैं, चूजी होते हैं या सेंसिटिव होते हैं? नहीं, कोई बात नहीं है, कोई सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है थोड़ा सा, क्योंकि स्पाइन भी सेंसिटिव है और ब्रेन भी सेंसिटिव है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सेंसिटिव होना या कोई ऐसी चीज़ होना हमारे में तो नहीं है। लेकिन पुराने जो प्रोफेसर्स थे, जो प्रोफेसर नाम हैं, उनमें ज़रूर कुछ लोग ऐसे थे, लेकिन अब जितनी भी न्यू जनरेशन आ रही है वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बेहतर है। व्यूअर्स, आपको बताता जो न्यूरो में, न्यूरो सर्जरी में तमाम ऐसे पेशेंट जो कि पैरालाइज है, जिनको हम फालिज बोलते हैं, लकवा के साथ है या मिर्गी के साथ है, उनके साथ साथ स्पाइन के इशू, बाकी डॉक्टर साहब से मजीद पूछते हैं सर कौन कौन सी इस तरह की स्पेशलिटीज डील कर रहे हैं, कौन कौन सी डिजीज डील कर रहे हैं, सर कहीं बताइए थोड़ा हमारी ऑडियंस को सिंपल वर्ड्स में कि वो कौन कौन से ऐसे पेशेंट जो आपको चेक करवा सकते हैं। अच्छा, मुझे एक तो ब्रेन का कोई रसौली है या कोई मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या कोई पदेशी बच्चों का दिमाग सुखड़ा होता है या उसमें दिमाग में पानी ज़्यादा होता है, और इससे रिलेटेड कोई स्पाइन में देख लें तो स्पाइन में बच्चों के कमर में फोड़ा है या स्पाइन अपना रीढ़ की हड्डी में कोई कैंसर है, या कोई ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोगों में कमर में दर्द और टांग में उसका रेडिएट करना या टांग भी साथ दर्द करती है, तो उसमें ये हम सर्जरी करते हैं और एंडोस्कोपिकली करते हैं। बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है, लोग इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन हम उसको बहुत मॉडिफिकेशन के साथ आजकल एंडोस्कोपिकली हो रहा है,
तो लोगों को डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। और ये बीमारी जो है, लोग इसको पहलवानों के पास और मुख्तलिफ पीरों के पास जाके इसका इलाज करवाते हैं, जो कि बिल्कुल एंड पे फिर हमारे पास आते हैं जिस वक्त उसका इलाज खत्म नहीं कोई होता। सर एक मिथ और बनी हुई है न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन से रिलेटेड, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, वो न्यूरो सर्जन के पास जाना नहीं चाहते कि जी वो हमें ऑपरेट ही बताएंगे, ऑपरेट ही करेंगे, तो हम सीधा जाएंगे फिजिशियन के पास, वो हमें दवाई से ठीक कर देगा। तो इसके बारे में क्या कहना? अच्छा देखिए, हर किसी का अपना फील्ड है। न्यूरो फिजिशियन क्योंकि वो फिजिशियन होता है तो वो ज़्यादातर आपको सर्जरी की तरफ कम रुझान होता है उनका, वो ज़्यादातर वो पेशेंट को लंबे से लंबा करते रहते हैं कि ताकि वो पेशेंट भी यही चाहता है कि मैं ऑपरेशन ना करवाऊँ। तो मेरे अंदाज़े में अच्छा न्यूरो फिजिशियन तो यही है कि जैसे ही वो कोई ऐसा मरीज़ देखता है तो वो उसको चाहिए कि वो न्यूरो सर्जन के पास भेजे ताकि उसका जो ऑपरेशन है तो वो ऑपरेशन करे। तो ऑपरेशन जो है वो असल हल तो ऑपरेशन होता है, मेडिसिन तो फिर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें न्यूरो फिजिशियन ही का काम है और वो अपना काम सही करते हैं, उसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, तो वो फिर अपना मरीज़ को देखते रहते हैं। सर वो कोई डरते हैं ना कि न्यूरो सर्जन के पास जाएंगे तो वो हमें ऑपरेशन ही बताएंगे, ऐसा नहीं होता ना सर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिसका ऑपरेशन बनता होगा सर्जन ने उसका करना है, कोई ज़बरदस्ती या ज़्यादती किसी के साथ नहीं होती कि हम जिसका ऑपरेशन भी ना बन रहा हो तो उसका ऑपरेशन कर दें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिसका ऑपरेशन बनता होगा तो उसी को हम बताते हैं, अदरवाइज तो कोई ऐसी बात नहीं। सर ये फाले जो लकवा मिलती जुलती बीमारी है, जी जी, तो सर व्यूअर्स के लिए सर थोड़ा बताया कि ये ज़्यादा किस वजह से होती है और बच्चा कैसे जा सकता है? अच्छा जो फालिज है वो ज़्यादातर जो बूढ़े लोगों में है, वो ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, कोई शुगर है या कोई स्मोकर है, कोई सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनकी वजह से उनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह रहता है, या ये चटपटी चीज़ें खाना, इन चीज़ों से खून में रुकावट आ जाती है, चर्बी आ जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर ये इसकी वजह से होता है। तो जो बाकी कुछ ऐसे जो जवान लोग हैं उनमें कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है, जैसे कोई एनोरिज्म है या कोई एवी माल फॉर्मेशन है, कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से भी फालिज हो जाता है। सही। तो इसमें ये है कि जैसे ही ये मसला हो तो न्यूरो फिजिशियन भी इसको देखते हैं, मेडिसिन के डॉक्टर भी देखते हैं और न्यूरो सर्जन भी देखते हैं। जी जी। माशाल्लाह सर आपकी अच्छी प्रैक्टिस भावलपुर में भी है और वहाँ आपके पास टाइम नहीं होता, इवनिंग में भी रात गए तक आप ऑपरेट भी कर रहे होते हैं, पेशेंट चेक कर रहे होते हैं। जी जी। तो सर उसके साथ फिर आपने जैसे शुरू किया भावल नगर, चिश्तिया, हरुणाबाद, तो सर ये क्या, इसके बैक स्टोरी क्या है? अच्छा कि आपने साथ विजिटिंग टाउन शुरू कर दिए इतनी मसरूफियत के बावजूद? जी जी, असल में वजह ये है कि लोग कुछ, मैंने देखा कि बैकवर्ड हमारे इलाके हैं थोड़े से, बहावल नगर हो गया, चिश्तियाँ और ये हरुणाबाद, इनमें हमारे कुछ मरीज़ कुछ ज़्यादा हैं, तो वो बेचारे सफ़र करके बहावलपुर आते हैं और धक्के खाते हैं और फिर भी वो उस डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकते जो उनको चाहिए होता है। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना उन शहरों में जाके लोगों को अवेयरनेस दें और वो आके हमें वहीं पर चेक करवाएँ, उनका किराया भी बचे और उनकी जो बेचारों की फटीग है इतनी दूर जाना आना और वहाँ जाके रुल जाना। तो हमने फिर भावलपुर से मैं ट्रैवल करके 2 दिन जुम्मा और हफ्ता बहावल नगर, चिश्तियाँ और हरुणाबाद, तीनों शहरों में पेशेंट के फ़ायदे के लिए।